नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर भावना और मीडिया डिक्शनरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मीडिया डिक्शनरी में चर्चा करेंगे हमारे टर्म नंबर 88 की, और ये है जर्नलिज्म। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, चर्न एंड जर्नलिज्म। और अगर मैं चर्न की लिटरल मीनिंग की बात करूं तो चर्न का मतलब होता है किसी भी मशीन में दूध या क्रीम को फेंट कर उससे मक्खन बनाना। यानी यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसको उठाया गया है बेसिकली जर्नलिज्म में, वो है किसी भी चीज को मथना या फेंटना और जो उसका क्या कहते हैं मूल रूप था उसको परिवर्तित कर देना। और इस तरीके से अगर हम देखें, यानी चर्न को जब हम जर्नलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो जर्नलिज्म का मतलब हुआ ऐसी खबरें जो कि प्रेस रिलीज या फिर न्यूज एजेंसीज से आई हुई खबरों या फिर सिंडिकेटेड न्यूज स्टोरीज पर आधारित हो, ऐसी पत्रकारिता या ऐसी जर्नलिज्म को हम जर्नलिज्म कहते हैं। यानी जब कोई संस्थान अपने रिपोर्टर्स को ऑन ग्राउंड भेजकर जो खबरें हैं वहां से नहीं मंगवाता है, और वो जब प्रेस रिलीज आधारित पत्रकारिता करता है या फिर जब वो वायर्ड न्यूज पर अपनी खबरों के लिए जो है पूरी तरीके से बेस्ड हो जाता है, पूरी तरीके से आश्रित हो जाता है, तो ऐसी खबरों को ही बेसिकली जर्नलिज्म कहते हैं, ऐसी पत्रकारिता को ही जर्नलिज्म कहते हैं। और ये बात जो है पत्रकारों पर भी लागू होती है। यानी जब पत्रकार ऑन ग्राउंड जाकर खबरें ना लाए बल्कि वो प्रेस रिलीज बेस्ड पत्रकारिता करने लग जाए या फिर वायर्ड न्यूज की जो खबरें आ रही हैं उसमें ही थोड़ा सा फेरबदल करके उसका जो कलेवर है उसको बदल के उसको एक नए अंदाज में जब पेश कर देता है, तो उसे ही बेसिकली जर्नलिज्म कहते हैं। और अगर देखा जाए तो कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जर्नलिज्म को इसलिए प्रैक्टिस करता है क्योंकि इसमें उनका फायदा है। फायदा यह है कि उनका खर्चा बचता है, उनको बहुत ज्यादा रिपोर्टर्स रखने की जरूरत नहीं होती है, है ना। उनका जो काम है वो प्रेस रिलीज बेस्ड जो खबरें होती हैं उससे चल जाता है, या फिर उनका काम जो वायर्ड न्यूज होती है उनसे चल जाता है, तो क्यों बहुत सारे पत्रकार रखने, क्यों बहुत सारे जर्नलिस्ट को अपॉइंट करना, ठीक है। लेकिन ये एक पत्रकार के लिए भी बहुत खतरनाक है, और आपसे आग्रह है कि आप जर्नलिज्म मत करिएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी खबर कभी भी डेस्क पे नहीं आती है, खबर के लिए आपको निकलना ही पड़ता है बाहर, लोगों से मिलना पड़ता है, अपने आंख नाक कान खुले रखने पड़ते हैं। और पत्रकारिता के बारे में तो ये कहा भी जाता है कि जो कुछ बताया जाए वो पत्रकारिता नहीं है, बल्कि जिसे छुपाया जा रहा है वो खबर है। तो जो चीज छुपाई जा रही है उस खबर को आपको ढूंढ के लाना है, बाकी तो सब पीआर है। तो अब ये तय आपको करना है कि आप क्या कहते हैं पीआर के पेशे में जा रहे हैं या फिर आप एक पत्रकार हैं। देखिए, पेशा कोई भी बुरा नहीं है, पेशा सब अच्छा होता है, लेकिन आपको अपने पेशे के साथ ईमानदारी बरतनी होती है, है ना। और ये जो टर्म है जर्नलिज्म, इस टर्म को दिया था बीबीसी के जर्नलिस्ट वसीम जाकिर ने, और उन्होंने कहा था कि धीरे 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 इस जर्नलिज्म का जो ट्रेंड है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है, और जब जर्नलिज्म अपने हाइट पर होती है तो कई बार खबरों को मनगढ़ंत अंदाज में बनाया भी जाने लगता है। और कई जो क्वालिटी पेपर्स हैं जिन पर आप इतना विश्वास करते हैं, उनकी बहुत सारी खबरों को जो है मनगढ़ंत खबरें पाया गया, या उनकी बहुत सारी खबरों को फेक इंफॉर्मेशन पाया गया। इसलिए अगर आप पत्रकारिता के पेशे में हैं तो प्लीज इसकी जो एक नैतिक जवाबदेही है आपकी, उसको फॉलो करें और आप इसकी प्रैक्टिस ना करें, आप एक सही मायने में अच्छे पत्रकार बने। बस यही शुभकामनाएं हैं मेरी आपको, और जल्द हाजिर होती हूं एक और नए टर्म के साथ मीडिया डिक्शनरी में। अगर आपको मीडिया डिक्शनरी के ये जो वीडियोस हैं अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और साथ ही साथ मीडिया डिक्शनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।